कैसे हो सब? आ गई हूँ फिर से एक मूवी के ट्रेलर के साथ। अब की बार जो मूवी का मैं रिव्यू देने जा रही हूँ ना, उसने 4 दिन के अंदर ही 2.3 मिलियन व्यूज गेन कर लिए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस मूवी का तो मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तो इस मूवी की कहानी सुनाते हैं जितना कि मैंने जाना है अब तक। पहले बता देते हैं, ये बॉलीवुड मूवी की तरह टट्टी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ये एक हॉलीवुड मूवी होने वाली है। मूवी की तरफ चलते हैं। इस मूवी में हमें इंसान और अलग अलग तरह के क्रिएचर को देखने मिलेंगे, जैसे कि ऑफिशियल ट्रेलर में नजर आ रहा है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी के जो मेन लीड हैं वो एक कॉन्ग नाम के चिंपांजी हैं और दूसरे गॉडजिला, जो कि एक तरह से मुझे पिंक और ब्लू नियॉन लाइट वाले डायनासोर नजर आ रहे हैं। ये तो सीरियसली बहुत बढ़िया लग रहे हैं, नियॉन लाइट वाला डायनासोर। तो गॉडजिला और कॉन्ग इस दुनिया के रक्षक होते हैं, जो कि दुनिया को एक ब्लैक शेडो से बचाने निकले हैं। पहले तो इस मूवी में सिर्फ कॉन्ग ही सुपर हीरो बुलाए जाते थे, जिससे कि उसके ही एम्पायर के लोग उससे चिढ़ने लग गए थे, जिससे वो उसको मारने में लगे रहते थे। कॉन्ग को भी काफी टाइम से कुछ फील हो रहा था कि कोई खतरा है, और जब यही सेम चीज उसे छोटी लड़की से मिल के उसे पता चला कि वो भी वही फील करती है, बिल्कुल सेम जो कॉन्ग को फील होती है उसी ब्लैक शेडो से, उसको क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ खतरा तो है। जब तक ये जंगल में थी तब तक तो कुछ नहीं हुआ, बट ये जब ब्लैक शेडो इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है तो बहुत ज्यादा ही तबाही होनी शुरू हो जाती है। कॉन्ग जब उस लड़की से मिला तब से ही उसके अंदर बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट नेचर जनरेट हो गया। तो जब उसके शहर में हमला हुआ तो उसको वहां जाना पड़ा, बट तो जब उसके इंसानी दोस्तों ने बोला कि तुम अकेले नहीं कर पाओगे, तब कॉन्ग किसी बर्फीली इलाके में गया। उस टाइम तो वो नियॉन लाइट वाला डायनासोर कैंट्री होती है। कॉन्ग और गॉडजिला वो एक बड़े से बर्फ में जमा हुआ था, तभी उसने वो बड़ी सी बर्फ को तोड़ते हुए निकलता है और उस टाइम हमें नियॉन लाइट वाला गॉडजिला नजर आता है। तो कॉन्ग और गॉडजिला इंसानियत को बचाने के लिए ही जन्म लेते हैं, ताकि वो दुनिया की रक्षा कर सके उस ब्लैक शैडो से। कॉन्ग के जो इंसानी दोस्त थे ना, उन्होंने भी उसे कुछ हैंड इक्विपमेंट्स बना के दिए, जिससे उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। कॉन्ग बाकी आकार में बहुत ज्यादा ही बड़ा था, एक तरह से वो एक जायंट कॉन्ग था, जो कि गॉडजिला और उसकी ताकत से दुनिया की रक्षा कर सकता था। इस मूवी में जो कॉन्ग के दोस्त होते हैं ना, वो एक साइंटिस्ट होते हैं जो अलग अलग तरह के हथियार एयरक्राफ्ट बनाते हैं। तो हमें इस मूवी में कई ऐसी भी चीज देखने को मिल जाएगी जो कि हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। बाकी ये हॉलीवुड मूवी है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, तभी तो हॉलीवुड मूवीज इतनी फेमस है। तो इस मूवी की लोकेशन सीन्स की बात की जाए वो तो बहुत तगड़ी है। इस मूवी में हमें डेजर्ट, ओशन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें पिरामिड्स वगैरह भी देखने को मिले हैं। इस मूवी में गॉडजिला और कॉन्ग को कुछ अलग ही बेहतरीन शक्तियां भी मिलती है। कॉन्ग के दोस्तों ने उसे एक ऐसा हाथ बना के दिया जिसे वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स को एक झटके में ही उखाड़ के फेंक सकता है। इस मूवी में आपको एडवेंचर थ्रिलर ही देखने को मिलेगा। जो भी हो, मूवी देखने में मजा आने वाला है। गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर, कई ऑफिशियल ट्रेलर है बहुत ज्यादा धांसू, और इस कॉन्ग का एक बच्चा भी होता है जिसमें वो सबका साथ देता है। ये मूवी 29 मार्च को रिलीज होने वाली है। ये मूवी पूरे 4 लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु। ये मूवी आपके ही नज़दीकी सिनेमा हॉल में लगने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।